प्रार्थना पेश करेंगे और किस तरीके से मालिक इन पर जुल्म और सितम करता है आपको भी गौर से देखना है। इसके आगे बहुत सारे प्रोग्राम अच्छे अच्छे हैं, आप बिल्कुल इत्मीनान से बैठे रहे। इसके कुछ एक दो तीन प्रोग्राम के बाद अच्छे से कवानी का भी नज्म किया गया है और आखिर में समुची की मुशायरा भी रखा गया है, वो अच्छे से आपको समझ में आए। बच्चा मजदूरी आपके सामने ड्रामा पेश। कवाली वाले बच्चे जितने भी हैं कवाली में उनको तैयारी के लिए आया था। कवाली के लिए जितने भी बच्चे हैं लड़के और लड़कियां वो तैयारी के लिए जाए। देखिए ये जो ड्रामा है आपको जब तक आप उसके गौर से देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, लिहाजा आपको इस पर गौर फिक्र करना जरूरी है क्योंकि किस ड्रामे के अंदर कोई डायलॉग नहीं है, इस ड्रामे के अंदर बिल्कुल डायलॉग नहीं, इसकी एक्टिंग है, एक्टिंग के बाद आपको समझ में आएगा। और हमारा सुधा ड्रेसिंग रूम में जाए। तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है, एक हिंदी बच्चे पे भी क्यों नंगे पैर इस गोबर भी मांगते हैं। पानियों से इसका सवाल करें बच्चे बताओ सकते हैं। बच्चा मजदूरी इस ड्रामा पे है। बाजार वासना के हाथों रोज बिकते हैं, हम रोज ये सुनते पढ़ते और देखते और सो जाते हैं। देखिए आप मालिक बच्चों को किस तरीके से काम दे रहे हैं। लाइट वाले बच्चों के लिए Thank you.
बच्चा मजदूरी का इख्तिताम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छा मैसेज आ रहा है कि आते हुए क्या आपको नहीं लगता देश की सुरक्षित भविष्य के लिए वक्त आ गया है कि आपको यह जिम्मेदारी अब लेनी होगी। क्या आप लेंगे ऐसे किसी एक मासूम की जिम्मेदारी? ये थे श्री डी सैयद रहीम गुरु, जो बच्चा मजदूर की अम्मा के तहत ड्रामा पेश कर रहे थे। जिंदगी इस कदर सपाट हो चुकी हो जाएगी क्या, जिंदगी इस कदर सपाट हो जाएगी क्या, भूख ही मजदूरी की खुराक हो जाएगी क्या, भूख ही मजदूरी की खुराक हो जाएगी क्या।